हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल या फिर हमारे देश की 100 सीसी में सबसे ज्यादा बिकने वाली और सबसे ज्यादा पसंद करने वाली मोटरसाइकिल को 2023 के लिए और थोड़ा सा अपडेट कर दिया। इस मोटरसाइकिल के कलर्स में थोड़ा सा चेंज किया गया, कुछ ग्राफिक्स वगैरह नए दिए गए हैं। उसके अलावा इस मोटरसाइकिल में और भी छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं। तो दोस्तों, इस मोटरसाइकिल में ये जो भी चेंजेस 2023 के लिए अब किए गए हैं, जो भी ये नए मॉडल में आपको ऑफर किया जा रहा है या फिर ये मोटरसाइकिल अब चलाने में कैसी हो गई है, कितने की आपको ये ऑन रोड पड़ने वाली है, सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में आपसे करने वाला हूं। और ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ना भाई, इसकी इन्फॉर्मेशन अभी हीरो मोटोकॉर्प की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लिस्टेड नहीं हुई है। मतलब कि ये मोटरसाइकिल अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं इस मोटरसाइकिल को किसी तरीके से उठा करके ले आया हूं इसकी वीडियो बनाने के लिए। और अभी जिस टाइम तक आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, इसके ऊपर कोई भी कंटेंट इंटरनेट पर बाहर नहीं आया, मतलब कि यही वीडियो सबसे पहले शूट की जा रही है। तो दोस्तों देखिए, आपके लिए इतना सब किया जा रहा है तो फिर आपसे भी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन मेरी बढ़ जाती है। और अब यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो से इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिलती है, तो फिर मैं आपसे बस इतनी उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, जो आपको ऐसे ही टाइम से वीडियोज़ मिलती रहे। और सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक्स और डिज़ाइन के मामले में। तो दोस्तों देखिए, देखने के मामले में अगर आप टेक्निकली बात करेंगे तो इसकी शेप और साइज़ में तो कोई भी ऐसा बड़ा चेंज नहीं किया गया, लेकिन हाँ, ग्राफिक्स के मामले में या फिर कलर्स के मामले में इसमें एक नया कलर एड ऑन किया गया। और ये जो कलर है ये आपका ब्लैक नहीं है, ये आपका मैट ग्रे है, ये थोड़ा सा डार्क ग्रे है, जिस पर कि आपको कुछ सिल्वर कलर के ग्राफिक्स फ्रंट वाइजर पर दिए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक बड़ी सी स्ट्रिपिंग हो गई, एक छोटे वाली स्ट्रिपिंग हो गई। तो दोस्तों, एक तो इसके वाइजर पर आपको कुछ नए ग्राफिक्स दे रखे हैं, उसके अलावा इसका जो ये फ्यूल टैंक है, इस पर आपको स्प्लेंडर की काफ़ी बड़ी बड़ी बैजिंग दिखाई देगी। जैसे कि दूर से ही पता चल जाता है कि भाई ये स्प्लेंडर ही है, लेकिन नहीं, हीरो वालों का कहना कि नहीं भैया, भले ही सबको पता हो कि हाँ ये स्प्लेंडर ही है, लेकिन हम फिर भी इस पर बड़ा बड़ा हाईलाइट करेंगे कि भैया ये स्प्लेंडर प्लस है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ये जो हीरो का लोगो देख रहे हैं, इसके ऊपर आपको सिल्वर कलर के ऊपर ये ग्रे कलर में स्प्लेंडर प्लस काफ़ी बड़ा बड़ा लिख करके दिया गया। इसके अलावा जो साइड पैनल्स है, इधर आपकी स्प्लेंडर की बैजिंग के नीचे एक आपको 01 का स्टिकर लगा करके दे रखा है, जिसके ऊपर कुछ रेड स्ट्रिपिंग भी है, और इधर भी आपको यही ग्रे कलर दिखाई देगा। बाकी इधर आपकी i3 की बैजिंग हो गई, और पीछे जो आपके ये जो आपके कुछ लाइट्स के ऊपर के पैनल होते हैं ना, इधर भी आपको ये सिल्वर कलर के कुछ ग्राफिक्स दिए गए हैं। और नीचे जो एग्जॉस्ट है, इसके ऊपर आपको क्रोम की प्लेट लगा करके दे रखी है, जो कि काफ़ी अच्छी सी भी लग रही है। इसके बाद साइड प्रोफाइल के मामले में भी कुछ ऐसा ही ट्रीटमेंट आपको करके दिया गया है, जैसे कि अभी हमने राइट साइड में देखा, तो दोस्तों लेफ्ट साइड में भी आपको कुछ ऐसा ही ट्रीटमेंट दिखाई देगा। इसके अलावा डिजाइन और लुक्स के मामले में इस मोटरसाइकिल में कोई भी ऐसा चेंज नहीं किया गया है। लाइट्स और इंडिकेटर्स के मामले में देखिए, टेक्निकली इसमें कोई भी आपको LED हेडलैम्प सेटअप जैसा तो कुछ भी नहीं दिया गया, और ना इसमें कोई भी DRLs दे रखे। इसका जो हेडलैम्प है, जैसा 20 साल पहले आता था ना भाई हैलोजन बल्ब वाला, ऐसे ही आज भी आता है। और इसके जो इंडिकेटर्स हैं, ये भी हैलोजन बल्ब वाले ही हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर कलर के साथ जो आपकी ये इंडिकेटर्स की कैप होती है ना, ये आपको वाइट दी गई है, मतलब कि वो जो ऑरेंज वाली है, जो कि काफ़ी पुरानी सी बहुत पहले से चलती आ रही है, वो वाली इस कलर के साथ नहीं दी गई है। बाकी अगर आप टेल लैंप के मामले में बात करेंगे तो यहाँ पर भी कोई भी ऐसा टेक्निकली चेंज नहीं किया गया। इसका जो टेल लैंप है वो आज भी आपको हैलोजन बल्ब में ही दे रखा है। उसकी क्वालिटी आप देखिए कैसी है, मतलब काफ़ी आराम से ये हिल जाती है, यानी कि मतलब टाइम के साथ हीरो वाले अपनी क्वालिटी को घटाते ही जा रहे हैं, घटाते ही जा रहे हैं, और पता नहीं ये कब तक घटाएंगे, जब तक ये बिल्कुल लाइट वाइट इसकी निकल के नहीं गिर जाएंगे ना, तब तक घटाते ही रहेंगे। बाकी जो इंडिकेटर्स की कैप है वो मैंने आपको बताई दी कि चारों इंडिकेटर्स की कैप आपको अब वाइट कलर की दी गई है, और ये वाइट वाली देखने में ऑरेंज वाली से थोड़ी सी बेहतर लगती है। व्हील सस्पेंशन, टायर्स और ब्रेक्स के मामले में कोई भी ऐसा चेंज नहीं किया गया है। जो सस्पेंशन आपको पहले दिए जा रहे थे वही अभी भी दिए जा रहे हैं। व्हील्स के मामले में इसके फ्रंट में आपको 80x100 सेक्शन का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर दे रखा है, और इस मोटरसाइकिल में आपको सीएट के टायर्स दिए जाते हैं। ब्रेक्स के मामले में जैसे कि आजकल आपको 100-110 सीसी की मोटरसाइकिल्स में भी डिस्क ब्रेक दिए जाने लगे हैं, लेकिन हीरो वाले अभी भी अपनी स्प्लेंडर में आपको कोई भी डिस्क ब्रेक या फिर अपनी किसी और 100 सीसी की मोटरसाइकिल में भी डिस्क ब्रेक देना आपको ज़रूरी नहीं समझते हैं। और बाकी रियर के मामले में बात की जाए तो जब फ्रंट में डिस्क ब्रेक नहीं है तो रियर का तो आप कुछ ऐसा सोच ही नहीं सकते। बाकी रियर सेटअप के मामले में भी कोई भी ऐसा चेंज नहीं किया गया। इसके रियर में भी आपको 18 इंच का वही 80x100 सेक्शन का ही टायर दे रखा है। बाकी जो दोनों ही टायर्स हैं ये आपके ट्यूबलेस टायर्स हैं। सीट और स्पेस के मामले में मुझे हल्का सा लग रहा है कि इसके डिज़ाइन को थोड़ा सा ट्वीक किया गया है, थोड़ा बहुत मुझे इसका डिज़ाइन चेंज लग रहा है, और पहले वाली सीट से मुझे ये सीट थोड़ी सी वाइडर लग रही है। और यहाँ पर भाई मैं बिल्कुल कन्फर्म नहीं हूँ, तो जब आप इस मोटरसाइकिल को खरीदने जाए तो आप खुद ही देख लें कि हाँ इसकी सीट में कोई चेंज किया गया है या फिर नहीं किया गया। लेकिन हाँ, एक चीज़ इस पर्टिकुलर कलर के साथ बिल्कुल बदल दी गई है, वो है आपका ग्रैब हैंडल। जैसे कि आप देखेंगे ना कि स्प्लेंडर के ज़्यादातर वेंट्स के साथ आपको वो स्टील वाला काफ़ी हैवी ड्यूटी पर्पस टाइप का जो ग्रैब हैंडल दिया जाता है, वो इस वाले कलर के साथ नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ थोड़ा सा स्पोर्टी दिया जा रहा है, और ये ग्रैब करने में
इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप इसको ग्रैब करने चलते हैं तो साइड में तो कोई ज़्यादा आपके पास स्पेस है नहीं, अगर आप ऊपर से इसको ग्रैब करते हैं तो फिर जो आपके टेल लैंप के ऊपर के जो पार्ट्स हैं ना वो आपको कहीं ना कहीं टच हो जाते हैं और यहाँ पर ये थोड़ा सा कंजस्टेड सा हो जाता है। मतलब ये जो नए वाला ग्रैब हैंडल है ये इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल तो है नहीं, लेकिन हाँ इसके लुक्स के साथ ये इसको एक थोड़ा सा स्पोर्टी टच तो बिल्कुल दे रहा है और देखने में वाकई में काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। फीचर्स वगैरह के मामले में इस मोटरसाइकिल में आपको खैर कट ऑफ साइड स्टैंड तो दिया जाता है, बाकी इसके अलावा अगर आप इसके हैंडल बार्स के कंट्रोल्स को देखेंगे तो यहाँ पर तो हीरो वालों ने काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी घटा ली है। इसके जो बटन से इनको दबाने का भी मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि हाथ में निकल करके ना जाए, तो मतलब कि काफ़ी हल्की क्वालिटी के सारे कंट्रोल्स दे रखे हैं। और आज के टाइम में भी इस मोटरसाइकिल में कोई भी आपको पास स्विच नहीं दिया जाता है। वहीं पर जो राइट हैंडल है इधर आपको एक ITS वाला बटन दे रखा है, इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है। जो आपका ITS वाला बटन है इसकी क्वालिटी मुझे फिर भी थोड़ी सी बेहतर लग रही है, बाकी जो नीचे इलेक्ट्रिक स्टार्ट वाला बटन है उसकी भी क्वालिटी कहीं ना कहीं ठीक ही है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मामले में ये जो पर्टिकुलर आपका ITS वाला वेरिएंट है इसमें अभी भी कोई भी चेंज नहीं किया गया है, मतलब कि जैसा 20 साल पहले आ रहा था बिल्कुल वैसा ही है। कोई भी ग्राफिक्स के अलावा कोई भी ऐसा बड़ा चेंज नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा आपको फीचर्स आज के टाइम में भाई नहीं दिए जा रहे हैं। वही पुराने वाला स्पीडोमीटर हो गया, उसके अंदर सिर्फ आपको ओडोमीटर ही दिया जाता है। आज के टाइम में भी जैसे कि 100-110 सीसी की मोटरसाइकिल में आपको गियर इंडिकेटर जैसे फीचर्स भी मिलने लगे हैं और ट्रिप मीटर्स वगैरह भी मिलते हैं, लेकिन भाई हीरो वाले आज के टाइम में भी आपको कोई भी ऐसे फीचर्स देना ज़रूरी नहीं समझ रहे। और अब थोड़ी बहुत बातें इस मोटरसाइकिल को चलाते हुए भी कर लेते हैं कि क्या भैया इसके इंजन में कोई चेंज किया गया है क्या। तो दोस्तों देखिए, डीलरशिप से मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है कि हाँ इसके इंजन में छोटे मोटे ट्वीक किए गए हैं, लेकिन जैसे कि ये मोटरसाइकिल अभी तक ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुई है, इस मोटरसाइकिल पर हीरो ने अभी तक अपनी ओर से कुछ भी इसको थोड़ा बहुत भी एडवर्टाइज़ नहीं किया है, थोड़ा सा भी इसको लीक नहीं किया है, तो फिर देखिए मैं बिल्कुल अच्छे से कह नहीं सकता हूँ कि हाँ इसके इंजन में कोई चेंज अब किए गए। बाकी चलाने के मामले में मुझे ये मोटरसाइकिल मोर लेस अभी भी ऐसी ही लग रही है जैसे कि पहले वाली चलती थी, लेकिन आप पहले वाली के मुकाबले अब मुझे इसका एक्सलेशन पता नहीं क्यों थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, और रिफाइनमेंट के लेवल में भी मुझे इसका इंजन थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड महसूस दे रहा है, और इनिशियल गियरों में मुझे मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छा सा परफॉर्म करती दिखाई दे रही है। हो सकता है कि नया नया इंजन है तो ये इसी वजह से इतना बेहतर परफॉर्म कर रही हो। और एक जो स्प्लेंडर का वाइब्रेशन वाला कैरेक्टर होता है कि ये मोटरसाइकिल जैसी 40-50 की स्पीड पकड़ती है तो हैंडल बार्स में, आपके फुट रेस्ट में, आपकी सीट में आपको गुदगुदी होनी महसूस हो जाती है। तो दोस्तों वो जो इस मोटरसाइकिल में आपको इनबिल्ट मसाजर दिया जाता है वो अभी भी दिया जा रहा है, उसमें कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं किए गए हैं। और इसका जो ये इंजन है वो देखिए पसंद किया जाता है इसके माइलेज और रिलायबिलिटी के मामले में। तो दोस्तों जब इस इंजन की रिलायबिलिटी के मामले में बात आती है या फिर इसके माइलेज के मामले में बात आती है या फिर जब इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट की बात आती है तो उस टाइम पर लोग भूल जाते हैं कि ये कितना वाइब्रेट करता है या फिर इसकी रिफाइनमेंट के लेवल इतने अच्छे नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें लोग भूल जाते हैं जब बात इसके मेंटेनेंस पर या फिर इसकी प्रैक्टिकलिटी पर आती है। और इंजन के मामले में देखिए मैं भी कोई बहुत बड़ी शिकायत इस इंजन के साथ नहीं निकाल सकता हूं, क्योंकि इस मोटरसाइकिल का ये इंजन ही है जो कि इसको इतना ज़्यादा सेल कराता है या फिर इसको खरीदने वाले इसकी इतनी डिमांड करते हैं या फिर इसकी इतनी अच्छी रीसेल वैल्यू है। बाकी गियर बॉक्स के मामले में देखिए, ये जो इनका 4-स्पीड गियर बॉक्स है ना ये मुझे शुरू से ही बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि इसके गियर रेशियोज काफ़ी जर्की से हैं, मतलब कि कभी कभी तो इंजन ऐसे लगाता है कि यार मतलब कि मोटरसाइकिल को गियर की ज़रूरत है और जैसे ही आप इसको गियर अप कर देते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि मोटरसाइकिल कहीं ना कहीं पावर लॉस कर रही है। तो मतलब कि वो जो गियर रेशियोज है वो मुझे पर्सनली इस मोटरसाइकिल के कोई ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, और मेरे हिसाब से हीरो वालों को इसके गियर बॉक्स पर काम करना चाहिए। बाकी हैंडलिंग और स्टेबिलिटी के मामले में कोई भी ऐसा फर्क नहीं है, और जैसे कि काफ़ी हल्की मोटरसाइकिल है, इजी टू हैंडल तो ये मोटरसाइकिल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि कोई भी इस मोटरसाइकिल को आराम से चला सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी के मामले में 50-60 से ऊपर, हालांकि इसको काफ़ी लोग भगाते हैं, इसको चलाने वाले इसको 80-90 तक भी लेकर के जाते हैं, पर भाई मैं ऐसी मोटरसाइकिल को इतनी स्पीड पर चलाना बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ना ही तो इस मोटरसाइकिल की स्टेबिलिटी इतनी अच्छी है, दूसरा दोस्तों इस मोटरसाइकिल के ब्रेक्स भी इतने अच्छे नहीं है कि इस मोटरसाइकिल को आप 80-90 की स्पीड पर हमेशा ही अच्छे से कंट्रोल कर लो। बाकी सस्पेंशन के मामले में इसके सस्पेंशन काफ़ी अच्छे होते हैं, आप इसको कैसी भी सिचुएशन में चलाइए, हालांकि लोग वह इससे ऑफ रोडिंग तक कर देते हैं, तो सस्पेंशन तो इसके शुरू से ही काफ़ी कैपेबल रहे हैं और सस्पेंशन इस मोटरसाइकिल के अभी भी काफ़ी अच्छे आते हैं, और ओवरऑल मोटरसाइकिल काफ़ी कंफर्टेबल भी रहती है। तो दोस्तों देखिए चलाने के मामले में तो वही है कि स्प्लेंडर काफ़ी कंफर्टेबल होती है, काफ़ी अच्छा आपको माइलेज निकाल करके देती रहती है, काफ़ी ईजी टू हैंडल है, काफ़ी एक रिलायबल मोटरसाइकिल है, और अभी भी इस मोटरसाइकिल को खरीदने के यही कुछ फैक्टर्स है, यही कुछ पॉइंट है कि अगर आपको माइलेज अच्छा चाहिए, आपको लुक्स अच्छे चाहिए, क्योंकि अगर आप इस सेगमेंट में किसी मोटरसाइकिल को देखोगे जो कि आपको थोड़ी थोड़ी प्रीमियम लगती है तो वो इकलौती स्प्लेंडर ही है जो कि आपको 100-110 सीसी के सेगमेंट में देखने में प्रीमियम लगती है या लगती है कि हाँ आप कोई मोटरसाइकिल ले रहे हैं। तो दोस्तों एक तो इसके लुक्स हो गए, दूसरा इसका जो इंजन है वो काफ़ी रिलायबल है, इसके स्पेयर पार्ट्स काफ़ी इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, आप इस मोटरसाइकिल को बेचने निकलो तो घंटों में ये मोटरसाइकिल बिक जाती है, आप कहीं
पर भी खड़ी करके इस मोटरसाइकिल को बेच सकते हैं। तो दोस्तों इसको खरीदने के यही कुछ सारे के सारे आपके पैरामीटर्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। बाकी अगर आप फीचर्स वगैरह के हिसाब से बात करेंगे या फिर स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से भी बात करेंगे तो आज के टाइम में इससे बेहतर ऑप्शंस भी आपके पास मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको ये स्प्लेंडर ही खरीदनी है और इसकी कीमतों के मामले में बात की जाए तो दोस्तों इसका जो ये पर्टिकुलर मेरे पास वेरियंट है ना i3s वाला, इसकी फिलहाल दिल्ली एक शोरूम की मतलब आपकी 76,000 रुपये के आसपास चल रही है और ये मोटरसाइकिल आपको यही कोई 88,000 रुपये 90,000 रुपये के आसपास ऑन रोड पड़ जाएगी। और जब ये कलर लॉन्च होता है तो इसके लिए हो सकता है कि आपके 100-200 कुछ रुपए बढ़ जाए, 100-200 या मतलब 500 रुपए तक इसकी कीमत बढ़ जाए। और अगर आप मुजफ्फरनगर के आसपास से हैं तो भाई मुझे ये मोटरसाइकिल रिव्यू करने के लिए मिली थी श्री बालाजी हीरो से, इन्होंने मुझे लॉन्च होने से पहले ही मोटरसाइकिल अच्छे से अवेलेबल करा दी थी। और आप भी अगर मुजफ्फरनगर के आसपास के एरिया से हैं और आप ये स्प्लेंडर या हीरो की कोई और मोटरसाइकिल या स्कूटर या कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो फिर आप ये श्री बालाजी हीरो पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनके यहाँ पर जेन्युइनली आपको अच्छी सर्विस मिलने वाली है। हीरो के जो मुजफ्फरनगर में और शोरूम से उनसे आपको डेफिनेटली श्री बालाजी हीरो पर अच्छी ही सर्विस मिलने वाली है। तो दोस्तों यही सब था ये नई स्प्लेंडर प्लस 2023 के बारे में। और अब ये मोटरसाइकिल आपको कैसी लग रही है, इसके ग्राफिक्स आपको कैसे लगे हैं या फिर इसमें जो भी चेंजेस किए गए हैं इस पर आपका क्या विचार है वो सब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।